अभी आज ही हम इस जो हॉस्पिटल से रहते हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में सुबह एक मीटिंग हुआ है। आने वाले दिन में मेडिकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान से नहीं तो अब बांग्लादेश से ज़्यादा लोग इस मेडिकल टूरिज्म में आते थे, मगर आज भारत में जो मेडिकल के संबंधित जो कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज कम रेट में इधर ट्रीटमेंट मिलता है, लोग आने के भी तैयार है। उसके लिए भी हम अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट से, हमारा एम्बेसी से भी बातचीत कर रहे, उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU भी कर रहे, कंट्रीज गवर्नमेंट के साथ MOU कर रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, उस अलग अलग देशों के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ MOU करके ठीक तरीके से फ्लाइट उतरने के बाद फिर उनको फ्लाइट बिठाने तक पूरा देखभाल करने के लिए हम ITDC के साथ बातचीत कर रहे, ITDC को इसका नोडल एजेंसी बना रहे इस मेडिकल टूरिज्म के संबंधित, सभी हॉस्पिटलों से बात करने वाले, अभी तक मीटिंग भी हुआ है। आने वाले दिन में मेडिकल टूरिज्म भारत में बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारा डॉक्टर्स के ऊपर, हमारा मेडिसिन के ऊपर, हमारा आयुर्वेद के ऊपर, आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा होम्योपैथी के ऊपर विदेशों में अच्छे आने वाले दिन में अच्छे डिमांड रहेगा, मेडिकल टूरिज्म भी भारत में बढ़ने वाला है।